सवाल है भाई, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की शुरू में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट को सेफ और सिक्योर कर सकते हो, क्योंकि गाइस आज के टाइम पर व्हाट्सएप की जो सिक्योरिटी है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, अपने व्हाट्सएप अकाउंट को सेफ और सिक्योर नहीं रखते हैं। इस वीडियो में गाइस मैं आपको दो ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिसको आप यूज करके आप बहुत ही आसानी से अपने व्हाट्सएप अकाउंट को सेफ और सिक्योर कर सकते हो। आप पता कर सकते हो कि कहीं कोई दूसरा बंदा आपके व्हाट्सएप चैट को पढ़ तो नहीं रहे, आपके व्हाट्सएप मैसेज को देख तो नहीं रहे। इन सब चीजों को आप बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो, पता कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हो तो आज का ये वीडियो मिस मत करना, पूरा जरूर देखना। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कॉमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप किस कंपनी का फोन यूज करते हो, जिससे दोस्तों मुझे ये पता चलेगा कि जो मेरे व्यूवर्स हैं वो किस कंपनी का फोन सबसे ज्यादा यूज करते हैं, जिससे उस फोन से रिलेटेड मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो दे पाऊं। ठीक है, अब चले वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अब चले मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप चेक कर सकते हो कि आपका जो व्हाट्सएप चैट है वो सेफ है या नहीं है। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई दूसरा बंदा आपके व्हाट्सएप मैसेज को पढ़ता हो, देखता हो। ठीक है, आपको सिंपली व्हाट्सएप को ओपन करना है। इसके बाद आपको थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको चैट्स पर क्लिक करना है। ठीक है, आपको नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा चैट बैकअप का। ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा गूगल अकाउंट का। ठीक है, आपको इस पर क्लिक करके यहां पर चेक करना है कहीं कोई ऐसा जीमेल अकाउंट यहां पर ऐड तो नहीं है जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी पता नहीं हो। ठीक है, आपको इस चीज को चेक करना है। हो सकता है कि गूगल अकाउंट में कोई ऐसा जीमेल अकाउंट ऐड हो जिसके बारे में आपको पता ही ना हो। ठीक है, आपको इस चीज को चेक करना है, क्योंकि गाइस होता क्या है कि अगर अननोन जीमेल अकाउंट यहां पर ऐड रहेगा, इसका मतलब यह है कि आपका जो चैट है उस जीमेल अकाउंट पर बैकअप हो रहा है। ठीक है, आपको इस चीज को चेक करना है, आपको इस चीज को चेक करना है। अगर कोई अननोन जीमेल अकाउंट यहां पर ऐड है, आपको यहां से उसको रिमूव कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपको बैकअप टू गूगल ड्राइव पर क्लिक करना है, इसको आपको नेवर कर देना है। ठीक है, आपका कोई भी बैकअप क्रिएट नहीं होगा। इस तरह गाइस आपको इस चीज को चेक कर लेना है। ठीक है, ये रहा पहला ट्रिक। इसके बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको थ्री डॉट पर क्लिक करके यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा लिंक डिवाइसेस का, आपको इस पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको यहां पर चेक करना है कि आपका जो व्हाट्सएप है किस किस डिवाइस में लॉग इन है। ठीक है, होता क्या है कि काफ़ी टाइम हम अपने व्हाट्सएप को ऑफिस के लैपटॉप में लॉगिन कर देते हैं, कंप्यूटर में लॉगिन कर देते हैं, किसी दूसरे फ़ोन में लॉगिन कर देते हैं और लॉग आउट करना भूल जाते हैं। ठीक है, लॉग आउट करना भूल जाते हैं, कोई दूसरा बंदा जब उस डिवाइस में व्हाट्सएप को ओपन करता है तो दोस्तों हमारा जो व्हाट्सएप है उसमें लॉगिन रहता है। ठीक है, वो उसको ओपन करके हमारे मैसेज को पढ़ सकता है, चैट्स को पढ़ सकता है। तो दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पर चेक कर लेना है कि आपका जो WhatsApp है कौन कौन से डिवाइसेस में लॉगिन है। दोस्तों जितने भी डिवाइसेस में आपका WhatsApp लॉगिन होगा आपको यहां पर शो हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपका जो WhatsApp है वो किसी अननोन डिवाइस में लॉगिन है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, तो सिंपली आपको तुरंत उसी टाइम पर उस डिवाइस से अपने WhatsApp को लॉग आउट कर देना है। ठीक है, जैसे आप यहां पर देख सकते हो गूगल क्रोम में हमारा जो WhatsApp है वो लॉगिन है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये जो डिवाइस है अननोन डिवाइस है इसके बारे में हमें पता नहीं है, तो सिंपली आपको तुरंत लॉग आउट कर देना है इस तरह। ठीक है, आपको ये दूसरा काम करना है। इसके बाद दोस्तों आपको अपने फोन में हमेशा फिंगरप्रिंट लॉक को सेट करके रखना है। अगर आपके फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक है तो दोस्तों आपको फिंगरप्रिंट लॉक को सेट करके रखना है। अगर बैक में फिंगरप्रिंट लॉक है, ठीक है, आपको इसको भी सेट करके रखना है। इसका फायदा यह है कि जब आप थ्री डॉट पर क्लिक करके लिंक डिवाइसेस पर क्लिक करोगे और दोस्तों अपने व्हाट्सएप को किसी दूसरे डिवाइस में लॉगिन करोगे, ठीक है, तो दोस्तों जब तक आप फिंगर नहीं लगाओगे तब तक आपका जो व्हाट्सएप है वो नए डिवाइस में लॉगिन नहीं होगा। इस तरह गाइस आपको अपने फोन में इस चीज को चेक कर लेना है। ठीक है, अब यार आपको यहां पर एक और ऑप्शन मिलेगा टू स्टेप वेरिफिकेशन का। आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा टू स्टेप वेरिफिकेशन का, आपको अपने व्हाट्सएप में इसको भी ऑन करके रखना है। दोस्तों अगर कोई भी आपके नंबर से व्हाट्सएप में रजिस्ट्रेशन करेगा, जब तक उसको टू स्टेप वेरिफिकेशन कोड नहीं मिलेगा तब तक वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएगा। इसका बेनिफिट आपको यहां भी मिलेगा। तो हमेशा आपको अपने व्हाट्सएप में टू स्टेप वेरिफिकेशन कोड को इनेबल करके रखना है।
यहाँ पर गाइस जब आप टू स्टेप वेरिफिकेशन कोड को इनेबल कर दोगे, वो कोड जब तक नहीं मिलेगा तब तक कोई भी आपके नंबर से व्हाट्सएप में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएगा, यानी आपके नंबर का मिसयूज नहीं कर पाएगा। ठीक है, इस तरह गाइस आप इन ट्रिक्स को यूज़ करके अपने व्हाट्सएप को सेफ और सिक्योर बना सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो बनाता रहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।